हेलो एंड वेलकम बैक टू ज़रफ़ कुकिंग। तो आज की रेसिपी है वन पॉट चिकन पुलाव की रेसिपी। आप सबको तो पता ही है कि वन पॉट रेसिपीज़ कितनी इजी होती हैं और कितनी मज़े की होती हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वन पॉट चिकन पुलाव। तो चले रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम इस पुलाव के लिए एक स्पाइस मिक्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक तेज़पत्ता, 6 से 7 हरी इलायची छोटी वाली और 2 बड़ी इलायची, 6 लौंग, 2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून काले मिर्च, 2 बादियान के फूल, 3 से 4 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े। अब हम ब्लेंडर जार को बंद करके और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पाउडर बना लिया है। अब चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चावल भिगोना है। यहाँ पे मैंने 3 कप चावल लिया है और चावल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और उसे भिगो दिया है। अब इसको हम साइड पर रखेंगे और कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब एक वॉक को अच्छी तरह से गर्म करके मैंने उसमें 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो मैंने उसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। अब 10 से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से मैंने सौते, उसके बाद मैंने एक बड़ी साइज की प्याज को फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हमने फ्राई करना है, ठीक है। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। अब देखिए यहाँ पे प्याज जो है हल्की सी फ्राई हो गई है और गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरी मिर्चें। यहाँ पे 3-4 हरी मिर्चों को बीच से स्लिट करके ऐड किया है मैंने, और साथ ही मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अब इन सबको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक लहसुन अदरक के कच्चेपन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। और जब लहसुन और अदरक के कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर को चॉप करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे, जिससे क्या होगा कि टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर जो मसाला है ना वो बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन हटा ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये सारा जो मिक्सचर है ना वो ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट नहीं कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया इसने, तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। अब चिकन के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक, ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर लीजिएगा। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको पकाएंगे 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर। जब आप 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना तो जो चिकन कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। बस जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और वो स्पाइस मिक्स जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, स्पाइस मिक्स का पाउडर, उसको हमने इस पॉइंट पे ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद हमने मीडियम टू लो फ्लेम करके इसको पकाना है तब तक जब तक कि चिकन जो है ना वो 60% तक गल नहीं जाता है। और जब चिकन 60% तक गल जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती और पुदीना की पत्ती और उसके बाद फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब देखें यहाँ पे चिकन जो है 60% तक गल चुका है और ऑयल भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है इसने, तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे मैं 6 कप पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने 3 कप चावल लिया है। अब पानी को ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक बार टेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने नॉर्मल जो खानों में नमक आप ऐड करते हैं उसके मुताबिक आपने यहाँ पे नमक ज़्यादा डालना है, ठीक है, क्योंकि चावल जो है वो नमक एब्जॉर्ब करता है। अब हमने फ्लेम को हाई कर देना है और इसमें एक बॉयल आने देना है। तो देखिए इसमें बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल जिसको हमने भिगो के रखा था और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका 80% तक पानी जो है ना वो इवेपोरेट नहीं हो जाता है। इसी तरह से खुला रखें, हमने पकाना है, इसको ढक के नहीं बनाना। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑलमोस्ट पानी जो है ना वो 80% तक वो इवेपोरेट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। तो एक बार मैं फिर से इसको अगेन अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अब हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके रख देना है 10 मिनट के लिए दम पे। अब 10 मिनट बाद हमारी चिकन पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 10 मिनट बाद मैंने वॉक का ढक्कन हटा लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की जो पुलाव है ना वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान और टेस्ट में बहुत ही कमाल। तो चलिए मैं अब इसको सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए जी यहाँ पे मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की लग रही है। टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का होता है। आप सबको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना चाहिए अपने घर पे, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और आपने देखा कि कितना आसान है इसको बनाना, कितने कम टाइम में बनने वाली है ये, और बस बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो आप सब ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप सब ट्राई करते हैं तो कैसी बनती है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब कर लेते हैं इस वीडियो को एंड। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह की बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपीज़ को देखने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू so very much for watching my video।